हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। बट उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, बच्चों आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैंने अप्रॉक्स 2000 वीडियोस अपलोड करी हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स आपके नहीं कंप्लीट हैं, ठीक है, क्लास नाइन्थ में हो आप, तो आप जाइए यूट्यूब पर टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे आपको लिखना है 2π क्लासेस, उस चैप्टर की प्लेलिस्ट पूरी खुल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मोशन देखना है फिजिक्स का, तो मोशन लिखना है और मोशन के आगे लिखना है आपको 2π क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, वहां से आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक चीज़ और बच्चों, मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं बट सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, ठीक है, कवर किया हुआ है, सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से बनाया हुआ है मैंने वीडियो। तो आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल भी आप अगर अभी यहाँ पहुँचे तो आपको पार्ट वन से देखना है। कैसे देखना है, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा पॉलिनोमियल का, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट वन से खुल के आ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर थोड़े से सर्च करने पड़ेंगे, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोलता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम इसको पी ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो 1 है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये हम आपको वीडियो में बहुत क्लियर कर चुके हैं पहले भी, हम 2 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम फैक्टर करेंगे। कौन कौन है इसके फैक्टर, इसके फैक्टर है 1 और 2 खुद, मतलब 2 को या तो 1 डिवाइड करता है या तो 2 डिवाइड करता है। ठीक है, इसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे, इसके आगे भी प्लस माइनस लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे एक बार पी ऑफ 1, फिर चेक करेंगे पी ऑफ माइनस 1, फिर पी ऑफ 2, इस तरीके से हम चेक करेंगे, हमने आपको कई बार बताया। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं पी ऑफ 1। ठीक है बच्चों, पी ऑफ 1 निकालेंगे, और पी ऑफ 1 जब हम फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो x की जगह 1, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 1 स्क्वायर, और माइनस x की जगह 1 रखेंगे प्लस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 होता है 2, 1 जर 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ओके, तो आप क्या देखते हो बच्चों, P ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो P ऑफ 1 0 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर थ्योरम से, हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है फैक्टर थ्योरम से, x माइनस 1, सुनो ये 1 का आप साइन चेंज करो, पहले x लिखो फिर 1, ये प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 का साइन चेंज करो माइनस 1 आएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर होते हैं, 3। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ चुका है, वो क्या है, x माइनस 1, एक लीनियर फैक्टर आ चुका है, वो क्या है, x माइनस 1। अब इसके 2 लीनियर फैक्टर और बचे हुए हैं और उसको हम लॉन्ग डिविजन मैथड से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, इससे पहले क्लास में भी मैंने आपको कराया हुआ है, तो जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको चीज़ें पता हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को उठाकर x माइनस 1 से हम डिवाइड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड लगाना है किससे, x माइनस 1 से। तो चलिए डिवाइड लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम x से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को उठा के इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस टू एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और एक्स क्यूब यहाँ नेगेटिव है तो सॉरी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब ये एक्स क्यूब पॉजिटिव, एक्स क्यूब नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आएगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये माइनस का टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर का साइन हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, मतलब माइनस का 2 माइनस 1 1, माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाता है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब माइनस एक्स और प्लस 2 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स से, ठीक है बच्चों। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स को यहाँ कॉपी करेंगे और इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एक्स माइनस वन को। लॉन्ग डिविजन मेथड हमने आपको सिखाया हुआ है। माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस प्लस, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस, प्लस एक्स इंटू वन एक्स। ओके, तो आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, प्लस का एक्स आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब साइन चेंज करेंगे इसका, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स माइनस एक्स, पता है क्या होता है, माइनस एक्स और ये भी रहा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस जैसे कि बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब एक्स को एक्स में जोड़ना है, टू एक्स आएगा आंसर और साइन क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, माइनस में प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो बड़ा तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ भी बने यहाँ भी बने, तो साइन माइनस का लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस टू एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू एक्स को अब हम डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स से, तो एक्स एक्स कैंसिल, आंसर आएगा माइनस टू, ठीक है बच्चों। इस माइनस टू को उठाकर हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, माइनस टू इंटू एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, टू वन जेड टू, तो माइनस टू एक्स और प्लस टू। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, कर लीजिए इसको, कर लिया, ओके। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, और इसी तरीके से ये जो कोशेंट आया है ये भी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू भी फैक्टर है, किसका, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है बच्चों। तो हम ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करना है, जैसा कि हमने आपको क्लास में भी बताया हुआ है बच्चों, देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स होंगे, ये पहला लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में दो लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर छुपे हुए हैं। तब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे और इसके फैक्टर निकालने के बाद इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, तो हमको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन लीनियर फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ओके बच्चों। तो इसके फैक्टर्स अब हम निकालेंगे किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। तो देखिए माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और मिडिल टर्म में क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को आप ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो तो बहुत ईजी है। तो ये देखिए माइनस टू एक्स और एक्स, क्योंकि अगर हम माइनस टू एक्स में एक्स को ऐड करेंगे, माइनस टू एक्स में अगर हम एक्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस एक्स, और माइनस टू एक्स में अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, हमने माइनस एक्स को क्या लिखना है, देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, कई बार सारे बच्चों को तो आता भी होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कई बार सिखा चुका हूँ मैं। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स की जगह माइनस टू एक्स प्लस एक्स, क्योंकि माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स होता है, ठीक है। और माइनस टू को ऐसे ही कॉपी कर लिया, तो ये फर्स्ट टू टर्म्स है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, और ये सेकेंड टू टर्म में से वन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, एक्स माइनस टू। अब देखिए इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमको साइन चेंज नहीं करने हैं। यहाँ पे देखिए एक्स पॉजिटिव है, टू नेगेटिव, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, टू नेगेटिव है, तो माइनस वन कॉमन नहीं लेंगे, वन कॉमन लेंगे, ठीक है, एक्स माइनस टू। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है,
है। तो यहाँ से आगे आपके पास कॉमन क्या, x माइनस टू कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वन। ओके बच्चों, अब इसको ले आके यदि आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं तो फाइनली आपके पास जो फैक्टर आ जाएगा ये आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर वन में अगर आप पुट करोगे तो मैं यहाँ देखिए आंसर कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू के जो फैक्टर आए हैं, देखो x माइनस वन ये तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर था, और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, इसलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। पता है बच्चों इसका मतलब, पता है आपको इसका मतलब ये कि अगर हम इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक, और अगर हम इसको इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इस लीनियर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूबिक मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको तो पता ही है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मन था, जैसे ये कॉन्स्टेंट टर्म था ना, तो कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर क्या थे आपके, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ठीक है बच्चों। आपने देखा था क्या, आपने देखा था कि p ऑफ वन जीरो आया था, याद है आपको, जब p ऑफ वन जीरो आया था तो आपने फटाक से बोला था कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस वन इज p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर भी हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे निकालते पता है, आपको चेक करना होता क्या, आपको p ऑफ माइनस वन चेक करना होता, क्या चेक करना होता, p ऑफ माइनस वन, और अगर ये भी जीरो आ जाता तो x प्लस वन, मतलब माइनस वन का साइन चेंज कर दो, x प्लस वन इसका फैक्टर हो जाता, बात समझो, ठीक है ना बच्चों। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा क्या कि एक लीनियर आप पॉलीनोमियल निकालो और उसके बाद लॉन्ग डिविजन मेथड यूज कर लो, ठीक है बच्चों। इसको हम 10th क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब बायक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारे सामने पढ़ा करेंगे, ठीक है। चलिए इतना आप कर लीजिए, बायक्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 2 लेते हैं, और पार्ट 2 भी बड़ा मज़ेदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो 1 है, 1 के अलावा कुछ और नहीं है, यानी कि जो लास्ट टर्म है आपका 5 बोलो या माइनस 5 बोलो, बस आपको नंबर लेना है, ठीक है। इसमें आपको साइन वाइन का ध्यान नहीं देना, 5 के आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं, कौन कौन है, 5 तो एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 होगा और खुद 5 होगा। अब इसका आगे प्लस माइनस लगा देंगे, इसके आगे भी प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है बच्चों। बस कुछ नहीं करना है, एक बार सपोज इस पॉलीनोमियल को हमने नाम दे दिया p ऑफ x, ठीक है, तो हमको निकालना है p ऑफ 1 निकालेंगे पहले हम, तो p ऑफ 1 अगर हम निकालते हैं बच्चों, आइए निकालते हैं, 1 का क्यूब, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और माइनस 5, ओके, तो p ऑफ 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 वनजा 3 माइनस 9 वनजा 9 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये आ गया माइनस 16, ओके बच्चों, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है, माइनस 16 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 1 0 नहीं हुआ, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम p ऑफ माइनस 1 पे चेक करेंगे, तो x की जगह माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1, 9 के बाद x, x की जगह माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, और माइनस 5। अब माइनस 1 का क्यूब बच्चों पावर कैसी, ऑड, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, अब ध्यान दें माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, सबको पता है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1 होता है, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 वन 9 और माइनस 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 3 प्लस 1 4 और साइन लगेगा बड़ा नंबर कौन है, 3। इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4, तो 4 माइनस 4 माइनस 4 कितना, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा कोई है नहीं, सीधी सी बात है, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, तो p ऑफ माइनस 1 कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या, x और 1 का माइनस 1 का साइन चेंज कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक पॉलीनोमियल इसका एक फैक्टर तो आपको मिल गया, ओके बच्चों। अब हम इसके दो फैक्टर और सर्च करेंगे, तो दो फैक्टर और सर्च करने में आप चाहो तो अभी अभी आपने देखा था क्या,
कि फाइव के दो फैक्टर थे आपके, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा भी आप देखोगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव या एक्स प्लस फाइव ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो आपने इसको वन पे चेक किया है, अब आप इसको फाइव पे चेक करो और माइनस फाइव पे चेक करो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं या तो फाइव पे जीरो हो जाएगा या तो माइनस फाइव पे। अगर ये फाइव पे जीरो होगा तो एक्स माइनस फाइव इसका फैक्टर होगा, और अगर फाइव रखने पे समझो अगर पी ऑफ फाइव जीरो हो गया तो एक्स माइनस फाइव इसका फैक्टर होगा, और अगर माइनस पी ऑफ माइनस फाइव जीरो हो गया तो एक्स प्लस फाइव इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो बच्चों जो भी हो दूसरा फैक्टर अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लो इस तरीके से, बट मैं क्या करता हूँ हम लोग वही मेथड अपनाएंगे। क्या जैसे एक फैक्टर मिल जाए इस फैक्टर को इस फैक्टर से डिवाइड लगाओ इस पॉलीनोमियल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को आपको डिवाइड लगाना है किससे, एक्स प्लस वन से। चलिए लगाते हैं डिवाइड एक्स क्यूब। अब हम इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को उठा के एक्स प्लस वन से इस लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो आइए डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, इसको डिवाइड लगाना है हमको किससे, एक्स प्लस वन से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हाइएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम एक्स से डिवाइड लगाएंगे, आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से उठा के इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं तो वन मानेंगे, थ्री प्लस वन फोर होता है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव को एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स से, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, माइनस फोर एक्स आएगा, यहाँ माइनस फोर एक्स लिखा, इस माइनस फोर एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एक्स प्लस वन को, तो माइनस फोर एक्स इंटू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस फोर एक्स इंटू एक्स फोर एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस फोर एक्स इंटू वन फोर एक्स। ओके, तो यहाँ आ गया आपके पास माइनस फोर एक्स स्क्वायर और साथ में आपके पास माइनस फोर एक्स है जो कि हम माइनस नाइन एक्स के नीचे लिखेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस का फाइव एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन, नाइन के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, माइनस फाइव को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ से हाइएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, माइनस फाइव एक्स है, इसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स से, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस फाइव, और इस माइनस फाइव से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एक्स प्लस वन को, तो माइनस प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस फाइव वन ज़ा फाइव, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव, साइन चेंज करेंगे, प्लस यहाँ भी प्लस, रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। ओके बच्चों, इतना कर लीजिए। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये भी किसका फैक्टर है, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के, और इसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो लीनियर पॉलीनोमियल छुपे हुए हैं, अभी हम इसके फैक्टर करेंगे तो दो लीनियर पॉलीनोमियल सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमने अब देखा कि ये जो क्यूबिक पॉलीनोमियल था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इसको इक्वेशन वन बनाते हैं। अब हम इसके फैक्टर निकालते हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव कैसे निकलेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, माइनस फाइव को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने कॉपी कर लिया होगा आशा करते हैं, कर लीजिए। तो
तो माइनस फाइव को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, और मिडिल टर्म में क्या है माइनस फोर एक्स है। अब माइनस फोर एक्स को बच्चों ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए माइनस फोर एक्स, और मल्टीप्लीकेशन पर माइनस फाइव एक्स। बहुत ईजी है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, ठीक है। माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका माइनस का, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस फोर एक्स आएगा, और साथ में ही अगर आप माइनस फाइव एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स से तो आपके पास माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही स्प्लिटिंग है। एक्स स्क्वायर यहाँ हम लिखेंगे माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, माइनस फोर एक्स की जगह हमने माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स लिखा माइनस फाइव। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसमें से आपको कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस फाइव प्लस, इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मान लेंगे x माइनस फाइव एज इट इज रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आएगा x माइनस फाइव कॉमन आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वन। बस अब ये ले जाके आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए। ओके बच्चों, तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के जो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव के जो फैक्टर हैं वो एक्स प्लस वन तो एज इट इज रहेगा, और अभी अभी आपने देखा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हमने फैक्टर किए तो उसके दो लीनियर पॉलीनोमियल आए हैं, कौन कौन से एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन। आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, x प्लस वन लिखा फिर ये वाला x प्लस वन लिखा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, फिर x माइनस फाइव लिखा। तो दीज आर द थ्री लीनियर पॉलीनोमियल्स विच आर द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल। कर लीजिए पार्ट फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पार्ट थ्री। एक पॉलीनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इसके हमको क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो एक्स क्यूब के आगे क्या है वन है, तो हम सिंपली 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 20 को कौन कौन डिवाइड करता है आपको पता है, 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 नहीं करेगा 4 कर देगा, 5 कर देगा, और 5 के बाद आई थिंक 10 कर देगा, और खुद 20 कर देगा। सबके आगे हम प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। और इस पॉलीनोमियल की वैल्यू एक बार हम चेक करेंगे, इसको सपोज हमने पी ऑफ एक्स नाम दे दिया, तो पी ऑफ वन चेक करेंगे पहले बच्चों, पी ऑफ वन कभी भी जीरो नहीं आएगा, आप चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ पॉजिटिव में दी हुई है, ठीक है बच्चों। और अगर आप वन रखोगे तो ऐड होके कुछ ना कुछ नंबर आएगा, जीरो नहीं आएगा, तो पी ऑफ वन जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्स माइनस वन इसका फैक्टर नहीं है। अब हम कहाँ चेक करेंगे, पी ऑफ माइनस वन पे चेक करेंगे, माइनस वन पे। अगर पी ऑफ माइनस वन जीरो हो गया तो माइनस वन का साइन चेंज कर दो, एक्स लिखो माइनस वन का साइन चेंज कर दो, मतलब प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो पी ऑफ माइनस वन करो, तो एक्स क्यूब यानी कि माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर और प्लस 32 इंटू माइनस वन और प्लस 20। अब माइनस वन का क्यूब बच्चों माइनस वन होता है क्योंकि पावर ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर वन होता है और 13 इंटू वन 13 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 32 इंटू वन 32 प्लस 20। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 13 माइनस वन 12 हो गया ही, इन दोनों को देखो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 32 माइनस 20 12 और साइन लगेगा माइनस का, तो बच्चों जीरो आ गया। आपने देखा पी ऑफ माइनस वन कितना आ गया जीरो, हेंस एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, तो बचे हुए दो लीनियर फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को उठाकर बच्चों एक्स क्यूब और प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 को, इसको उठा के स्टूडेंट्स हम डिवाइड लगा देंगे किस से, एक्स प्लस वन से। चलिए लगाते हैं डिवाइड एक्स प्लस वन से, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को उठा के x प्लस वन से डिवाइड लगाना है, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हम फिल करेंगे एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इस एक्स स्क्वायर से हम एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब के नीचे हम एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला टर्म 13 एक्स स्क्वायर के
नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा, 13 माइनस 1 12 होता है, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और एज इट इज कॉपी कर लेंगे बचा हुआ 32x और प्लस 20। ओके, अब फिर से बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, 12x स्क्वायर, इसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, x से, एक x से x खत्म हो जाएगा, प्लस 12x आएगा, और इस प्लस 12x को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस 1 से, 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर, और 12x इंटू 1 12x, 12x स्क्वायर के नीचे 12x स्क्वायर को लिखेंगे, 32x के नीचे 12x को लिखेंगे। ओके बच्चों, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 32 माइनस 12 कितना होता है 20, 20x और प्लस 20। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, 20x है, 20x को डिवाइड लगाएंगे x से, x से x कैंसिल होगा, 20 आएगा जो कि प्लस का 20 आएगा, और 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 इंटू 1 20, 20x के नीचे 20x प्लस 20 के नीचे 20, साइन चेंज तो कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इतना कॉपी कर लीजिए कर लीजिए। अब बच्चों x प्लस 1 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया, इसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अब हम एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 इंटू दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर निकालेंगे तो हमको दो लीनियर पॉलीनोमियल फैक्टर और मिल जाएंगे, एक तो मिला ही हुआ है, तो टोटल 3 पॉलीनोमियल फैक्टर आ जाएंगे किसके, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ क्या निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे, ऑब्वियसली इतना कॉपी कर लीजिए पहले आप। अब 20 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20x स्क्वायर। ओके बच्चों, मिडिल टर्म क्या है, 12x, तो हमको अब यहाँ पे चैलेंज है कि 12x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एडिशन में कितना आ जाए, एडिशन में आ जाए आपका 12x। ओके बच्चों, और मल्टीप्लिकेशन पे कितना आ जाए, मल्टीप्लिकेशन पे 20x स्क्वायर आ जाए। बहुत ईजी है बच्चों, 10x और 2x दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि 10x प्लस 2x 12x होता है, और 10x इंटू 2x 10 टू जो 20x स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x की जगह हम 10x प्लस 2x प्लस 20, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10, और इन दोनों में कॉमन आएगा बच्चों ध्यान दें 2, तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 10। ओके, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, दोनों में ही x प्लस 10 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको ले जाके आप पुट कर दीजिए, तो ये जो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है इसके 3 लीनियर पॉलीनोमियल फैक्टर आ गए। ये जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, पहला x प्लस 1, और इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो फैक्टर आए हैं, x प्लस 10 x प्लस 2, तो x प्लस 10 x प्लस 2 शायद आपको बुक में ऐसा दिखे, x प्लस 1 लिखाओ, फिर x प्लस 2 लिखाओ, फिर x प्लस 10 लिखाओ, तो 3 ये इसके फैक्टर आ गए। ओके बच्चों, कर लीजिए इसको।